मॉडर्न बनने की रेस में सऊदी अरब ने ऐसे फैसले लेने शुरू कर दिए हैं जिन्होंने भारत समेत पश्चिमी देशों को भी हैरान कर दिया है। इस्लाम का गढ़ माने जाने वाला सऊदी अरब अपनी इमेज को बदलने के लिए कट्टरता और रूढ़िवादी सोच को खत्म कर रहा है। इसी कड़ी में मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में फैशन शो करवा दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सऊदी अरब में फैशन शो हो सकता है। अब सऊदी अरब तो तेजी से खुद को बदलने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन कई मुस्लिम देश और कट्टरपंथी बदलना ही नहीं चाहते। सऊदी अरब में लड़कियों को रैंप पर चलता देख कई कट्टरपंथी पागल हो गए हैं। इनका कहना है कि मक्का मदीना की धरती पर लड़कियों को रैंप पर चलवाना इस्लाम का अपमान है। हैरानी की बात देखिए कि कुछ दिन पहले ही सऊदी अरब ने देश में पहला सरकारी ठेका भी खोल दिया था। इसकी वजह से भी कई इस्लामिक देश सऊदी अरब के खिलाफ हो गए थे और अब फैशन शो ने इन कट्टरपंथियों को और भी ज्यादा भड़का दिया है। सऊदी अरब में फैशन शो देखकर एक मुस्लिम शख्स ने लिखा कि ये शर्मनाक घटना है, इस्लाम की इस पवित्र धरती पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है सऊदी अरब के दिन नजदीक आ गए हैं। पाकिस्तान के भी कई कन्वर्टेड मुस्लिम सऊदी अरब की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में सऊदी अरब ने योग सेमिनार भी करवाया था। सऊदी अरब मदीना में पहली बार किसी हिंदू डेलीगेशन को भी लेकर पहुंचा था। आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब मदीना में मस्जिद के आगे स्मृति ईरानी साड़ी पहनकर खड़ी थी। हाल ही में सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए चुपचाप अपनी किताबों में से यहूदी विरोधी बातें हटानी शुरू कर दी हैं। सऊदी अरब के ये सारे फैसले कट्टर इस्लामिक देशों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसे हैं। अब तो ये खबर भी सामने आई है कि सुन्नी बहुल सऊदी अरब शिया देश इराक से संबंध अच्छे कर रहा है। इराक में सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल अजीज पहली बार करबला में इमाम हुसैन की दरगाह पहुंच गए। ये पहली घटना है जब सऊदी अरब का कोई राजदूत शियाओं के पवित्र स्थान पर पहुंचा है।